जमशेदपुर में कुल्हान विश्वविद्यालय से बीएड कर रही छात्राएं सरकार और यूनिवर्सिटी की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन की राह पर हैं। बता दें, आंदोलित छात्राओं ने सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय और सरकार पर 2 साल बर्बाद करने का आरोप लगाया। इधर छात्राओं ने इस संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपते हुए बताया है कि पहले साल की फी सरकार की ओर से जमा नहीं कराई गई है और इस बीच दूसरे सत्र का सेशन भी शुरू हो गया है, जिसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। पहले से ही कोविड के कारण सत्र लेट चल रहा है और अब सरकारी उदासीनता के कारण दूसरा सत्र भी अधर में लटक गया है। छात्राओं ने फी जमा होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जो बीएड का पढ़ाई है उसके लिए गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग पैसा आप लोग को पढ़ने के लिए देंगे, ठीक है, बट सेशन हम लोग का लेट से स्टार्ट हुआ है। ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं था, सेशन लेट से स्टार्ट हुआ कोविड के वजह से। और अब हम लोग को फर्स्ट ईयर के लिए जो पैसा देना था गवर्नमेंट को, वो हम लोग 2 महीने से फॉर्म भर के हम लोग का जितना प्रोसेस था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बट गवर्नमेंट अब पैसा नहीं दे रही है, वहाँ से अप्रूवल नहीं हो रहा है। अब हम लोग सेकेंड ईयर के लिए जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसका डेट हम लोग को दिया गया कि 15 जनवरी 2022 तक लास्ट डेट है, और हम लोग को फॉर्म फिलअप करने के लिए फर्स्ट सेम का मार्कशीट चाहिए, और वो हम लोग के पास है नहीं, क्योंकि हम लोग का रिजल्ट ही अभी तक नहीं आउट किया गया, मार्कशीट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे। तो दोनों साल का पैसा हम लोग के लिए मतलब पेंडिंग पड़ा, एक तो फॉर्म भर के पेंडिंग पड़ा, दूसरा हम लोग भर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये हम लोग का प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, भविष्य क्या, हम लोग तो ये सोच के मतलब बीएड में एडमिशन लेते कि चलो सरकार की तरफ से आधा पैसा आएगा और हम लोग आधा ही पैसा अपने दे सकते, बट अब अगर हम लोग एडमिशन ले चुके हैं अब तो पीछे नहीं हट सकते, अब जैसे भी हो पैसा भरना पड़ेगा और हम लोग उस चीज़ के लिए सफिशिएंट है नहीं, हम लोग का फैमिली की पूरा पैसा हम लोग पे कर पाएंगे, तो ये तो हम लोग का पढ़ाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर हम लोग के लिए। तो हम लोग आधा मतलब अब 22 में हम लोग का ख़त्म होने का बीएड है और अब हम लोग को 2 साल का पैसा खुद से पे करना पड़ेगा। नहीं, पढ़ाई तो ड्रॉप नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि जब 2 साल दिए हैं और थोड़ा सा 6 महीना 8 महीना के लिए हम लोग पढ़ाई पीछे नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए जो करना पड़ेगा, तो जहाँ जाना होगा जाएंगे।